हेलो फ्रेंड्स और हमारे प्रिय छात्रगण, दोस्तों, एक बार फिर मैं स्वरूप सर ज्योग्राफी के इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। छात्रगण, जैसा कि भारत के भूगोल का एक अति महत्वपूर्ण चैप्टर इंडियन वेजिटेशन एंड पार्क चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले भारतीय वनस्पति के बारे में आपको लेक्चर दी गई थी और आप इसका नोट्स भी लिखना प्रारंभ किए हैं। छात्रगण, जैसा कि मैंने बताया था कि भारत में जो वनस्पति है जितना एनवायरनमेंट के लिए होनी चाहिए 33%, उससे लगभग 10% कम है। यद्यपि वनों के वितरण में बड़ी ही असमानता स्पष्ट रूप से दिखती है, कहीं प्रतिशतता 80 से ऊपर है तो कहीं 4 से 5% है। हम लोगों ने यह भी देखा था कि भौगोलिक दृष्टिकोण से जो फॉरेस्ट है, यहाँ का वेजिटेशन है, उसमें भी असमानता है। जैसे प्रायद्वीपीय पठार में इंडिया के कुल फॉरेस्ट का 57% है, वहीं पर्वतीय इलाकों में 18%, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट में 10-10% और मैदानी इलाकों में मात्र 5% वनों का विस्तार है। छात्रगण, हमने देखा था और नोट्स लिखा था कि भारतीय वनस्पति को फॉरेस्ट को बांटने का बहुत सारा आधार है। उसमें से मुख्य आधार है 3 विधि के अनुसार, प्रशासनिक सुरक्षा के ख्याल से और एक सबसे इंपॉर्टेंस है जलवायु के आधार पर। जलवायु के आधार पर भारतीय वनस्पति को 9 भागों में हम लोगों ने बांटा था और नोट्स भी लिखा था। जो 9 भाग था वो था उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, मरुस्थलीय अर्ध मरुस्थलीय वन। उसके पश्चात ये जो प्रथम 4 जो फॉरेस्ट है वो मुख्य रूप से वर्षा पर आधारित है। इसके अलावा अन्य जो 5 फॉरेस्ट हैं, पर्वतीय वन, अल्पाइन वन, नदी तट के वन, समुद्र तट के वन, मैंग्रोव वन, जिसे बोल सकते हैं दलदली वन, ज्वारीय वन। छात्रगण, हम उसी 9 फॉरेस्ट जो इंडिया में पाए जाते हैं उसी की व्याख्या हम आज करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम जलवायु, वर्षा, मिट्टी का बनावट, संरचना इत्यादि के आधार पे भारत के वनों को 9 भाग बांट चुके थे, लिख चुके थे। अब हम एक एक करके हर एक पॉइंट को लिखेंगे और देखेंगे कौन सी वन की कौन विशेषता है, कहाँ पर क्षेत्र है, कौन से वन में कौन से वृक्ष के टाइप्स प्रकार पाए जाते हैं। तो छात्रगण, हम उसी नोट्स को कंटिन्यू कर रहे हैं और आपका पहला पॉइंट होगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार वन, इसका आप फर्स्ट पॉइंट लिखना प्रारंभ कीजिए। देखिए, इसमें इस प्रकार के वन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, देखिए पहला पॉइंट, इस प्रकार के वन उन प्रदेशों में पाए जाते हैं, इस प्रकार के वन उन प्रदेशों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, इस प्रकार के वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक एवं जहां वार्षिक आर्द्रता
एवं जहां वार्षिक आर्द्रता मॉइस्चर वार्षिक आर्द्रता 75% 75% एवं वार्षिक तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहता है 28 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहता है। इस प्रकार के वन भारत में तीन प्रमुख क्षेत्रों में मिलते हैं। इस प्रकार के वन भारत में तीन प्रमुख क्षेत्रों में मिलते हैं, उसी में प्रथम महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल राज्यों के पश्चिमी घाट, अर्थात नीलगिरी, अन्नामलाई एवं इलायची की पहाड़ियां, आदि पर। द्वितीय उसमें लिखिएगा, अलग से चेंज पैरा मत कीजिएगा, द्वितीय अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप पर, तृतीय पूर्वोत्तर हिमालय पर्वत पर, अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय एवं बंगाल के कुछ क्षेत्रों में मिलते हैं पैरा चिन्ह करके लिखिए मिलते हैं के बाद। इस प्रकार के वनस्पति क्षेत्रों में वनस्पतियों की विविधता ज्यादा देखने को मिलता है। सघनता ज्यादा होती है। जिसके कारण इस प्रकार के वनों में लकड़ी काटना कठिन होता है। उसी में सदाबहार वनों के वृक्षों की ऊंचाई सदाबहार वनों के वृक्षों की ऊंचाई सामान्यतः 40 से 60 मीटर तक होती है होती है। उसी में भारतीय उष्णकटिबंधीय इंडियन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, भारतीय उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के मुख्य वृक्ष
मुख्य वृक्ष, रबर प्लांट, रबर के पौधे, रबर, महोगनी, नाम है पेड़ का नाम है सब, रबर, महोगनी, बांस, रोजूट, रबर, महोगनी, बांस, रोजूट, नारियल, नारियल का पेड़, नारियल, सिनकोना, पेड़ का नाम है सिनकोना, सिनकोना, रबर, महोगनी, बांस, रोजूट, रबर, महोगनी, बांस, रोजूट, नारियल, सिनकोना, आयरन, पेड़ का नाम है आयरन, आयरन, आयरन इत्यादि मुख्य वृक्ष हैं। इसके अलावा झाड़ियां और लताएं भी खूब मिलती है। इसके अलावा झाड़ियां और लताएं भी खूब मिलती है। छात्रगण, आपको थोड़ा सा हम दिखाते हैं मैप पर, तो मैप पर दिखाते हैं। तो ये देखिए, मैंने लिखा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो छात्र को मैंने बताया कि सदाबहार वन वहीं पाए जाते हैं जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, आर्द्रता वार्षिक 75%, तापमान वार्षिक 28 डिग्री सेल्सियस होती है। वहीं पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलते हैं भारत में। ये वन भारत में, इसके मुख्य तीन क्षेत्र हैं, एक कर्नाटका, केरला, ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला अर्थात पश्चिमी घाट, मतलब अन्नामलाई, नीलगिरी कि जब पहाड़ियां हैं उन क्षेत्रों में, मतलब कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरल के पश्चिमी घाटों में एक, दूसरा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में, दूसरा, तीसरा भारत के आसाम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड के इलाकों में। इस प्रकार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के तीन क्षेत्र स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, मतलब इन क्षेत्रों में आर्द्रता 75%, तापमान औसत 28 डिग्री सेल्सियस और वर्षा यहां पर होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक। इस प्रकार के वन जहां पाए जाएंगे वहां पर पेड़ों में विविधता, टाइप्स ऑफ प्लांट बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा सघनता, डेंस बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण पेड़ों को काटना बड़ा ही मुश्किल काम है। इसके अलावा झाड़ियां और लताएं भी खूब देखने को मिलती है। ओवरऑल उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के मुख्य वृक्ष जो हैं वो हैं रबर प्लांट, रोजवुड, महोगनी, नारियल, बांस, आयरन इत्यादि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के मुख्य वृक्ष हैं। छात्रगण प्रश्न ऐसा पूछा जाता है आपसे कि इनमें से कहां सदाबहार वन देखने को मिलता है। ऑप्शन रहेगा कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला, आंध्रा, तो उसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। तो छात्रगण आपको एरिया जानना है, या प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों पर उगने वाले वनों को क्या कहते हैं, तो उसका उत्तर होगा सदाबहार वन। छात्रगण हमारा नेक्स्ट सेकंड टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट का नाम है उष्ण, लिखिए नंबर टू, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। देखिए मैं लिखा हूं पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ट्रॉपिकल
डिसिड्यूस फॉरेस्ट बोल सकते हैं इसको, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। लिखिए इसमें, इस प्रकार के वन 100 से 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर, इस प्रकार के वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं, वर्षा वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहां औसत तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है, जहां औसत तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है, जहां ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में वृक्षों की पत्तियां झड़ जाती है। इस प्रकार के वन में सघनता अधिक नहीं मिलती, ऐसे में पेड़ काटने में सुविधा होती है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इस प्रकार के वन लगभग पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलती है। भारत में व्यापारिक दृष्टिकोण से इस प्रकार के वनों का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसका अधिकांश भागों में सरकार द्वारा सुरक्षा दी जाती है, उसी में सखुआ, सागवान, सब ये वृक्ष का नाम है, सखुआ, सागवान, पीपल, पलास, आंवला, खैर, पेड़ का नाम है खैर का पेड़, खैर इत्यादि पतझड़ वनों के मुख्य वृक्ष है, भारतवर्ष में सबसे अधिक वन 80% से भी ऊपर पतझड़ वनों का ही विस्तार है। नेक्स्ट, उष्ण, छात्रगण लिखिए थर्ड पॉइंट, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट,
शुष्क वन। लिखिए इसमें, इस प्रकार के वन इस प्रकार के वन 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां तापमान 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तथा आर्द्रता 50 से 55 तथा वार्षिक, ऐसे लिखिए, तथा वार्षिक आर्द्रता 50 से 55 प्रतिशत होता है। उसी में इस प्रकार के वन के वृक्षों की ऊंचाई सामान्यतः 6 से 9 मीटर तक होती है। इस प्रकार के वनों के वृक्षों की ऊंचाई सामान्यतः 6 से 9 मीटर तक होती है। इनकी जड़ें पानी की तलाश में काफी गहरी होती है। और तेज सूर्य की किरणों के कारण पत्तियां मोटी होती है, जिससे तीव्र वाष्पीकरण से बचा जा सके नेक्स्ट पैरा उसी का, इस प्रकार के शुष्क वनों में कुछ वृक्ष अथवा झाड़ियों की अधिकता होती है। नागफनी रामबांस टाइप्स ऑफ प्लांट है ये, नागफनी रामबांस, खैर बबूल, रीठा महुआ, खजूर, कीकर, बैर, नागफनी रामबांस, खैर बबूल, रीठा महुआ, खजूर, कीकर, बैर इत्यादि यहाँ के इत्यादि मुख्य वृक्ष हैं। मुख्य वृक्ष हैं। उसी में इस प्रकार के वन पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में अस्पष्ट देखा जाता है। इस प्रकार के वन पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, दक्षिण पश्चिम पंजाब,
दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देखा जाता है या देखा जा सकता है। ओके छात्रगण, अब लिखिए नंबर 4 पॉइंट्स, मरुस्थलीय अर्ध मरुस्थलीय डेजर्ट्स और सेमी डेजर्ट्स मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय वन, डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट फॉरेस्ट, मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय वन। लिखिए इसमें, इस प्रकार के वन 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, इस प्रकार के वन 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले, इस प्रकार के वन 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। जहां के वृक्ष छोटी छोटी झाड़ियों के रूप में होते हैं, जहां के वृक्ष छोटी छोटी झाड़ियों के रूप में होते हैं। और यहां भी वृक्षों की जड़ें पानी की तलाश में काफी गहरी और लंबी होती है। वर्षा की कमी के कारण वर्षा की कमी के कारण वृक्षों में पत्तियां कम, छोटी छोटी तथा कांटेदार होती है। नेक्स्ट पैरा, उसी का नेक्स्ट पैरा, इस प्रकार के वनों के प्रमुख वृक्ष बबूल है। इसके अलावा नागफनी, रामबांस, खजूर, खेजड़ा भी पाया जाता है। इस प्रकार के वन दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात एवं कर्नाटका के वृष्टि छाया जहां वर्षा नहीं होती है, वर्षा के जस्ट दूसरे साइड, एवं कर्नाटका के वृष्टि छाया प्रदेशों में पाया जाता है। फिर लिखिए, उपर्युक्त 4 वनों को बांटने का मुख्य आधार, उपर्युक्त 4 वनों को बांटने का मुख्य आधार
वर्षा की मात्रा है। वर्षा की मात्रा है। छात्रगण, अभी तक टोटल भौगोलिक या जलवायु के आधार पर भारतीय वनों को 5 भाग में बांटते हैं, जिसमें से प्रथम 4 को बांटने का मुख्य आधार वर्षा की मात्रा है। शेष जो अभी 5 में लिखाऊंगा उसका आधार पूरे भौगोलिक परिदृश्य को लेकर है, पूरे भौगोलिक बातों को सम्मिलित करते हुए बांटी गई है, जबकि प्रथम 4 का मुख्य आधार वर्षा की मात्रा है। जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वहीं पाई जाएगी जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी, यद्यपि आर्द्रता और तापमान का भी ख्याल रखा गया है। ऐसे वन 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी जहां वर्षा, निश्चित तौर पे वहां पेड़ों की विविधता अधिक होगी, पेड़ों के बीच दूरियां कम होगी, डेंस ज्यादा होगा, सघनता ज्यादा होगा, लताएं ज्यादा होगी, झाड़ियां भी खूब होगी, डेंस इतना अधिक होगा, सघनता इतनी अधिक होगी, सघनता कि उसे काटना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा इलाका पूरे भारत में 3 इसके स्पष्ट क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला का पश्चिमी घाट, मतलब नीलगिरी, अन्नामलाई इत्यादि पहाड़ियों पर, सेकेंड अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप पर, और थर्ड पूर्वोत्तर हिमालय पर्वत पर असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में ऐसे पेड़ पाए जाते हैं जहां के मुख्य वृक्ष रबर, महोगनी, रोजवुड, बांस, आयरन इत्यादि यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं। छात्रगण, नंबर 2 जो वन के टाइप्स है उसका नाम है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। पतझड़ वन ट्रॉपिकल डिसर्डर्स फॉरेस्ट, पतझड़ मतलब पत्तियां गर्मी ऋतु के प्रारंभ होने के जस्ट पहले सारी वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देगी, नाम है पतझड़ वन। साल में एक बार वृक्ष अपने पत्तियां को गिराते हैं गर्मी के प्रारंभ होने के जस्ट पहले। ऐसे वन 100 से 200 सेंटीमीटर क्षेत्रों पर ही पाए जाते हैं। अब ऐसे भारत का एवरेज जो रेनफॉल है वो 100 से 200 के ही बीच है, ऐसे में पूरे भारतवर्ष में जहां जहां वर्षा 100 से 200 के बीच होती है वहां उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। देखा जाए तो यह वन पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है, अर्थात पूरे भारत के कुल वनों का 80% से ऊपर अगर कोई वन है तो पतझड़ वन ही है। यहां सघनता कम होती है, पेड़ों के बीच दूरियां होती है, अतः व्यापारिक आर्थिक दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण टाइप्स है वनों के, जहां लकड़ी काटना सुविधा होती है। व्यापारिक दृष्टिकोण से आर्थिक लाभ हेतु ये सबसे महत्वपूर्ण वन है जिसको सरकार पूर्ण सुरक्षा देती है। ऐसे वनों के मुख्य वृक्ष साल या सखुआ है। देखा जाए तो साल या सखुआ को पतझड़ वनों का राजा भी कहते हैं। इसके अलावा शीशम, नीम, पीपल, महुआ इत्यादि भी मुख्य वृक्ष हैं। और ऐसे वन पूरे भारतवर्ष में उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वोत्तर भारत में भी जहां तहां देखने को मिलती है। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, वैसा वन जहां वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। यहां पर पेड़ों की जड़ें काफी गहरी और लंबी होती है पानी की तलाश में, पत्तियां मोटी होती है ताकि तीव्र वाष्पीकरण से बचा जा सके। खजूर के अलावा बबूल, नागफनी, रामबांस इत्यादि यहां के मुख्य वृक्ष हैं। और ऐसे प्लांट पूर्व राजस्थान, हरियाणा, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। और लास्ट है मरुस्थलीय अर्ध मरुस्थलीय फॉरेस्ट,
डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट फॉरेस्ट जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होगा, यहां झाड़ियां की बहुलता अधिक होगी, यद्यपि बबूल, नागफनी इत्यादि वृक्ष भी देखने को मिलेगी। यहां पर वर्षा 50 से कम हो रही है जिसके कारण पत्तियां छोटी होती है, नहीं बराबर दिखती है। इस जगह पर पत्तियां नुकीली होती है, कांटेदार होती है, और ऐसे वन भारत के थार डेजर्ट, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, उत्तरी गुजरात खासकर, तो पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा इत्यादि क्षेत्रों पर इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ऐसे वृक्ष कर्नाटक के वृष्टि छाया प्रदेशों में जहां पर वर्षा बहुत कम होती है, उन क्षेत्रों में इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। छात्रगण, अभी तक जो आपने चार फॉरेस्ट का टाइप्स लिखा, व्याख्या किया, ये चार फॉरेस्ट का मुख्य आधार वर्षा है। हम नेक्स्ट क्लास में और शेष पांच जो फॉरेस्ट हैं उसकी चर्चा करेंगे, देखेंगे कहाँ किसके मुख्य वृक्ष हैं और यह भारत के किन किन क्षेत्रों पर देखने को मिलते हैं। ओके, थैंक यू।